करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊँगा क्रिएटिन के बारे में कि क्रिएटिन है क्या, तो मैं आपको क्रिएटिन कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, इन सब के बारे में बताऊँगा। क्रिएटिन है क्या? क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट जिसका रिजल्ट 100% आता ही आता है, और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें क्रिएटिन यूज सप्लीमेंट माना गया है। क्रिएटिन लेना है उन लोगों को जो बिल्कुल ही सूखे और पतले हों, जैसे बाबा कोई थोड़ा सा भी हेल्थी आदमी है उसको क्रिएटिन की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे उसको डाइट तो मिल जाएगा, पर जो बिल्कुल ही पतले हैं, पतले दुबले लोग हैं, क्रिएटिन उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। हाँ वैसे क्रिएटिन कोई भी ले सकता है, पर उन जो सूखे लोग हैं उनके लिए ही ज़्यादा यूजफुल है क्रिएटिन। और दूसरा क्रिएटिन कब लेना, क्रिएटिन लेने का कोई समय तो है नहीं, आप क्रिएटिन प्री वर्कआउट में ले सकते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट में ले सकते हो, और पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, और पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। पर मैं रेफर कर रहा हूँ कि आप प्री पोस्ट वर्कआउट में ही लें, जैसे एक्सरसाइज के बाद आप प्री वर्कआउट लेते हो, एक्सरसाइज के बाद आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन में एक उसको डाल दिया क्रिएटिन का, बस हो गया दोस्तों। फिर ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि वो पड़ोस वो जागरण चल रहा है ना इस वजह से। और हम फिर क्रिएटिन पर, क्रिएटिन की सिर्फ डोज लेनी है आपको सिर्फ 5 ग्राम, पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं आप 5 ग्राम। और जब आप क्रिएटिन लें तो पानी अच्छे से पिएं, लेकिन जैसे बहुत लोग कहते ना कि इससे किडनी इशूज होते हैं और सारे इशूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि क्रिएटिन ऐसा कोई किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्रिएटिन का। हाँ प्रॉब्लम तो हर चीज़ करती है ना, अगर कोई और पहले से बीमारी हो। और दोस्तों क्रिएटिन लेने का एक फ़ायदा और है, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे कि अगर आपने क्रिएटिन अभी लेना स्टार्ट किया, 2 हफ्ते तक क्रिएटिन लिए, तो जहाँ आप ब्रेंच प्रेस में 6 रेप लगा रहे हो, वहाँ आप ब्रेंच प्रेस में 8 या 9 रेप लगाओगे। क्रिएटिन का यही तो सबसे अच्छा फायदा है। और जब क्या जब लोग कहते हैं कि क्रिएटिन छोड़ दो तो वो रैप नहीं लग पाते, हाँ वो रैप लग जाते हैं, पर क्रिएटिन से वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, इसलिए क्रिएटिन भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट। अपनी सप्लीमेंट में क्रिएटिन जरूर ऐड करें। बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो आपकी बॉडी में जाकर वाटर होल्ड करती है, जिससे आपकी मसल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए कहा था ना आपके मसल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो पानी किस पानी से बढ़ता है, जिससे आपको पानी पीते रहना चाहिए और पानी की कमी ना हो शरीर में, जिससे आपका पानी की कमी नहीं होगी तो बॉडी अच्छा काम करेगी, अच्छा बॉडी अच्छा काम करेगी, उस क्रिएटिन भी अच्छा काम करेगा, क्रिएटिन अच्छा काम करवा तब अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इस चक्कर में क्रिएटिन ले वो आपके ऊपर ही है, वो तो आपको पता है कि क्रिएटिन प्राइस कितना है। हाँ आप वो मसल ब्लेस का 4000 था, वो आपका 500 का था मसल ब्लेस का क्रिएटिन 100 ग्राम का। आप उसको कुछ दिन यूज़ करके देख लें, अगर अच्छा लगे तो आप मंगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे सप्लीमेंट मल्टीविटामिन फिश ऑयल ये सब मंगाना चाहते हैं, एक सबसे अच्छी चीज़ वेबसाइट पर ढूंढ के ले गया, उसका नाम है न्यूट्री स्टार से आपको हर सप्लीमेंट बिल्कुल जेन्युइन और उसको फेक का तो कोई टेंशन भी नहीं है, बिल्कुल रियल सप्लीमेंट मिलेंगे। अगर आपको उस सप्लीमेंट आने हैं तो मैं उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मतलब आकर चेकआउट कीजिए और प्लीज अगर बाय कीजिए सप्लीमेंट बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए।